राम जी और शंकर जी का युद्ध। बात उन दिनों की है जब श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। श्री राम के अनुज शत्रुघ्न के नेतृत्व में असंख्य वीरों की सेना सारे प्रदेश को विजित करती जा रही थी। यज्ञ का अश्व प्रदेश प्रदेश जा रहा था। इस क्रम में कई राजाओं के द्वारा यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, लेकिन अयोध्या की सेना के आगे उन्हें झुकना पड़ा। शत्रुघ्न के अलावा सेना में हनुमान, सुग्रीव और भरत पुत्र पुष्कल सहित कई महारथी उपस्थित थे, जिन्हें जीतना देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। कई जगह भ्रमण करने के बाद यज्ञ का घोड़ा देवपुर पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का राज्य था। राजा वीरमणि अति धर्मनिष्ठ तथा श्रीराम एवं महादेव के अन्याय भक्त थे। उनके दो पुत्र रुक्मांगद और शुभांगद वीरों में श्रेष्ठ थे। राजा वीरमणि ने भगवान शंकर की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और महादेव ने उन्हें उनकी और उनके पूरे राज्य की रक्षा का वरदान दिया था। महादेव के द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। जब अश्व उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया और अयोध्या के सैनिकों से कहा कि यज्ञ का घोड़ा उनके पास है, इसलिए वे जाकर शत्रुघ्न से कहें कि विधिवत युद्ध कर वो अपना अश्व छुड़ा लें। जब रुक्मांगद ने ये सूचना अपने पिता को दी तो वे बड़े चिंतित हुए और अपने पुत्र से कहा कि अनजाने में तुमने श्रीराम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। श्रीराम हमारे मित्र हैं और उनसे शत्रुता करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए तुम यज्ञ का घोड़ा वापस लौटा आओ। इस पर रुक्मांगद ने कहा कि हे पिताश्री, मैंने तो उन्हें युद्ध की चुनौती भी दे दी है, अतः अब उन्हें बिना युद्ध के अश्व लौटाना हमारे और उनके दोनों का अपमान होगा। अब तो जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए आप मुझे युद्ध की आज्ञा दें। पुत्र की बात सुनकर वीरमणि ने उसे सेना सुसज्जित करने की आज्ञा दे दी। राजा वीरमणि अपने भाई वीर सिंह और अपने दोनों पुत्र रुक्मांगद और शुभांगद के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गए। इधर जब शत्रुघ्न को सूचना मिली कि उनके यज्ञ का घोड़ा बंदी बना लिया गया है तो वो बहुत क्रोधित हुए एवं अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गए। उन्होंने पूछा कि उनकी सेना से कौन अश्व को छुड़ाएगा तो भरत पुत्र पुष्कल ने कहा कि तातश्री, आप चिंता ना करें, आपके आशीर्वाद और श्रीराम के प्रताप से मैं आज ही इन सभी योद्धाओं को मारकर अश्व को मुक्त कराता हूँ। वे दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे कि पवन पुत्र हनुमान ने कहा कि राजा वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करना स्वयं परमपिता ब्रह्मा के लिए भी कठिन है, क्योंकि ये नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है। अतः उचित यही होगा कि पहले हमें बातचीत द्वारा राजा वीरमणि को समझाना चाहिए और अगर हम ना समझा पाए तो हमें श्रीराम को सूचित करना चाहिए। राजा वीरमणि श्रीराम का बहुत आदर करते हैं, इसलिए वे उनकी बात नहीं टाल पाएंगे। हनुमान की बात सुनकर श्री शत्रुघ्न बोले कि हमारे रहते अगर श्रीराम को युद्ध भूमि में आना पड़े ये हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात है। अब जो भी हो हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। ये कहकर वे सेना सहित युद्ध भूमि में पहुंच गए। भयानक युद्ध छिड़ गया। भरत पुत्र पुष्कल सीधा जाकर राजा वीरमणि से भिड़ गए। दोनों अतुलनीय वीर थे। वे दोनों तरह तरह के शस्त्रों का प्रयोग करते हुए युद्ध करने लगे। हनुमान राजा वीरमणि के भाई महाप्रक्रामी वीर सिंह से युद्ध करने लगे। रुक्मांगद और शुभांगद ने शत्रुघ्न पर धावा बोल दिया। पुष्कल और वीरमणि में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अंत में पुष्कल ने वीरमणि पर 8 नाराज बाणों से वार किया। इस वार को राजा वीरमणि सह नहीं पाए और मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़े। वीर सिंह ने हनुमान पर कई अस्त्रों का प्रयोग किया पर उन्हें कोई हानि न पहुंचा सके। हनुमान ने एक विकट पेड़ से वीर सिंह पर वार किया, इससे वीर सिंह रक्तवमन करते हुए मूर्छित हो गए।
उधर शत्रुघ्न और राजा वीरमणि के पुत्रों में असाधारण युद्ध चल रहा था। अंत में कोई चारा ना देकर शत्रुघ्न ने दोनों भाइयों को नागपाश में बांध लिया। अपनी विजय कर शत्रुघ्न की सेना के सभी वीर सिंहनाद करने लगे। उधर राजा वीरमणि की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी सेना हार के कगार पर है। ये देखकर उन्होंने भगवान रुद्र का स्मरण किया। महादेव ने अपने भक्त को मुसीबत में जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी भृंगी सहित सारे गणों को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। महाकाल के सारे अनुचर उनकी जय जयकार करते हुए अयोध्या की सेना पर टूट पड़े। शत्रुघ्न हनुमान और सारे लोगों को लगा कि जैसे प्रलय आ गया हो। जब उन्होंने भयानक मुख वाले रुद्र अवतार वीरभद्र नंदी भृंगी सहित महादेव की सेना देखी तो सारे सैनिक भय से कांप उठे। शत्रुघ्न ने हनुमान से कहा कि जिस वीरभद्र ने बात ही बात में दक्ष प्रजापति का मस्तक काट डाला था और जो तेज और समता में स्वयं महाकाल के समान है, उसे युद्ध में कैसे हराया जा सकता है। ये सुनकर पुष्कर ने कहा कि हे तातश्री, आप दुखी मत हो, अब तो जो भी हो हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। ये कहते हुए पुष्कर वीरभद्र से, हनुमान नंदी से और शत्रुघ्न भृंगी से जा भिड़े। पुष्कर ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग वीरभद्र पर कर दिया, लेकिन वीरभद्र ने बात ही बात में उसे काट दिया। उन्होंने पुष्कर से कहा कि हे बालक, अभी तुम्हारी आयु मृत्यु को प्राप्त होने की नहीं हुई है, इसलिए युद्ध क्षेत्र से हट जाओ। उसी समय पुष्कर ने वीरभद्र पर शक्ति से प्रहार किया जो सीधे उनके मर्म स्थान पर जाकर लगा। इसके बाद वीरभद्र ने क्रोध से थर्राते हुए एक त्रिशूल से पुष्कर का मस्तक काट लिया और भयानक सिंहनाद किया। उधर भृंगी आदि गुणों ने शत्रुघ्न पर भयानक आक्रमण कर दिया। अंत में भृंगी ने महादेव के दिए पाश में शत्रुघ्न को बांध दिया। हनुमान अपनी पूरी शक्ति से नंदी से युद्ध कर रहे थे। उन दोनों ने ऐसा युद्ध किया जैसे पहले किसी ने नहीं किया था। दोनों श्रीराम के भक्त थे और महादेव के तेज से उत्पन्न हुए थे। काफ़ी देर लड़ने के बाद कोई और उपाय न देखकर नंदी ने शिवास्त्र का प्रयोग कर हनुमान को पराभूत कर दिया। अयोध्या के सेना की हार देखकर राजा वीरमणि की सेना में जबरदस्त उत्साह आ गया और वे बाकी बचे सैनिकों पर टूट पड़े। ये देखकर हनुमान ने शत्रुघ्न से कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब इस संकट से बचाव का एक ही उपाय है कि हम सब श्रीराम को याद करें। ऐसा सुनते ही सारे सैनिक शत्रुघ्न पुष्कर एवं हनुमान सहित श्रीराम को याद करने लगे।